आप हिस्ट्री को पढ़ें, जब महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के कारण पर्यावरण बहुत अशुद्ध हो गया, वातावरण अशुद्ध हो गया, वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई, तो उन सबको करने के लिए, उन सबको ठीक करने के लिए यज्ञ किए गए। श्री राम भगवान का अश्वमेघ यज्ञ भी उन्हीं में से एक था। उसमें इतने मंत्रों का, करोड़ों मंत्रों का जाप करना, दान करना, पुण्य करना, एक अच्छे ढंग से सभी लोगों को ध्यान में लगाना उसका हिस्सा था एक ना। तो आज भी जब इतना वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी स्थिति आ रही है, तभी हम समझते हैं कि ये काम जो है कुछ संतों का है, कुछ महात्माओं का है, हमारा तो नहीं है। जब तक हम बिल्कुल एक क्रांति के साथ जो हमारी विरासत है, हमें ऋषियों ने, मुनियों ने जो धरोहर दी, हमें सिखाया, जब तक उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे, तब तक कोई बात दोस्तों नहीं बनेगी।